अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तीनों एक ही चीज़ है, एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड कह लें, मैक्सिलरी ग्लैंड कह लें। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखते हैं कि एंटीनल ग्लैंड जो हैं ये क्रस्टेशियंस जो कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन में भी रहते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्रेफिश है, क्रैब्स हैं। इनको एंटीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं? तो ये मेरे सामने एक क्रेफिश, मैंने उसकी डायग्राम बनाई हुई है। तो इसका जो सेकेंड एंटीना है उसकी बेस पे यहाँ पर ये एंटीनल ग्लैंड जो हैं ये मौजूद होते हैं, इसलिए इनको एंटीनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक इसका एंटीनल ग्लैंड है। तो ये बेसिकली इसकी पूरी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आपको रेड कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये इसका एंटीनल ग्लैंड है। इसके स्ट्रक्चर को, ये उसके एंटीनी है, एंटीनी की बेस के ऊपर ये मौजूद है। अब यहाँ से इसको मैंने निकाल कर आपके सामने बड़ा कर लिया ताकि इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ डिस्कस किया जा सके। तो ये उसका पहला हिस्सा है जो कि सैक्यूलस कहलाता है। इसमें एक एंड सैक है, उसके साथ एक लैब्रिथ है जो कि वेस्ट मटीरियल को कलेक्ट करती है। उसके बाद फिर एक लंबी ट्यूब है जो कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में लंबी होती है, जबकि मैरीन आर्थ्रोपोड में इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसे नेफ्रिडियल कनाल कहते हैं। और एंड के ऊपर फिर एक ब्लैडर आ जाता है जहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर किए जाते हैं, और एक एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसके ज़रिए जिस्म से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हैं इनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी हार्ट जो है इनका जो ब्लड है वो पंप करता है। हार्ट से जो ब्लड है इनका, जिसे हीमोलिफ कहते हैं, वो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ खाने जिन्हें हीमोसील कहते हैं वहाँ पर आ जाता है। तो ब्लड का जो प्रेशर होता है, हीमोलिफ का जो प्रेशर होता है दिल की वजह से, हार्ट की वजह से, उसकी वजह से ब्लड के अंदर मौजूद, हीमोसील के अंदर मौजूद जो वेस्ट मटीरियल हैं, वेस्ट मटीरियल कौन से होंगे? अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस लैबरिंथ में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर ये एंड सैक भी मौजूद है। यहाँ से फिर ये जो मटेरियल है ये फिर इस नेफ्रिडियल कनाल में आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। यहाँ से आयंस, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज और ज़रूरी मादे जो होते हैं वो रीअब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं, और एट दी एंड जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बच जाते हैं। वेस्ट मटेरियल जो है उनको एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्सक्रीटरी पोर जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, छोटा सा ओपनिंग है जो कि एंटीनी के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद है, और ये जो एंटीनल ग्लैंड है ये उसको एक्सक्रीट करता है। एंटीनल ग्लैंड हो, मैक्सिलरी ग्लैंड हो या ग्रीन ग्लैंड हो, ये तकरीबन ये आपस में एनालॉगस हैं, मिलते जुलते हैं, जो कि एरेक्नड्स में भी पाए जाते हैं। अब इनको ग्रीन ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इन, क्योंकि एंटीनल ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंटीनी के पास होते हैं। ग्रीन ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। इसी तरीके से कुछ और क्रस्टेशियंस हैं, उनका एक क्लास है जिसे मेलैकोस्ट्रैकन्स कहते हैं, जिसमें क्रैब्स आ जाते हैं, श्रिम्प्स आ जाते हैं, पिल बग्स आ जाते हैं, उनके अंदर जो है वो मैक्सिलरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मैक्सिलरी ग्लैंड भी तकरीबन सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो जो सेकंड मैक्सिला है इनका, अपेंडिजेस होता है, उसकी बेस के ऊपर लगे होते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर भी उनका सेम है, जो फंक्शन है वो भी उनका सेम है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हैं जिनके अंदर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं, आमतौर पर ये अमोनिया जो है उनको एक्सक्रीट करते हैं अपने गिल्स की मदद से या अपने स्केल्टन के अंदर मौजूद बारीक बारीक सुराखों के ज़रिए। लेकिन ये हम यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं जिनको फिर इन ग्लैंड्स की मदद से, एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड की मदद से ब्लड के अंदर से एब्जॉर्ब करके जिस्म से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ग्रीन ग्लैंड हो या मैक्सिलरी ग्लैंड हो या एंटीनल ग्लैंड हो, ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के काम आते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।